जी क्या हाल चाल। आपने टाइटल से तो पढ़ ही लिया होगा, मैं आज देहरादून जा रहा हूँ और अभी सुबह के लगभग 7 बज रहे हैं। मुझे ट्रेन पकड़नी है, मेरे को स्टेशन छोड़ने मेरा दोस्त आएगा, वही दोस्त जो मुझे दिल्ली लेके गया था, और मैं अभी तैयार होने जा रहा हूँ। चलिए बाय। तो जी गाइस, मैं हो गया हूँ तैयार और मैं निकल रहा हूँ। मैं काफ़ी लेट हो चुका हूँ तो मैं आपसे बाद में बात करूँगा। बाय। इस चूतिया जैसा लेट हो गया। नहीं कामी मानुस दो दिल में पलट गया। फोन नहीं उठा रहा था, फोन स्विच ऑफ करके बैठ गया और फोन नहीं उठा रहा। फोन कैसे उठाएगा, फोन स्विच ऑफ करके बैठ गया। दोनों घर जा रहा हूँ, घंटी बजा रहा हूँ, आने रहा 10 मिनट तक तो आगे एंड में। खैर इसके बारे में मैं क्या ही बात करूँ। अगर आपने मेरा दिल्ली वाला व्लॉग देखा होगा तो आपको पता ही होगा ये साला है ही चूतिया। खैर आगे चलते चलते मैंने सोचा कि अपनी ट्रेन का रनिंग स्टेटस ही देख लेता हूँ। इंडियन रेल जिंदाबाद, ट्रेन हमारी आधा घंटा लेट थी, क्या ही बोलूँ मैं इस चीज़ की। तो अब अगर ट्रेन लेट हो ही गई है तो मैं और मेरे दोस्त चाय पीने के लिए आते हैं। जिस टपरी में हम रुके थे ये पूरे मुरादाबाद में बहुत ज़्यादा फेमस है। खैर फाइनली मैं ट्रेन में बैठा क्या, मैं लेटा ही था और मैं इधर उधर देख ही रहा था। सामने एक आंटी थी जो ये आपको दिख रही है, पूरे रास्ते इन्होंने बहुत बोला है तो मैंने उनको इग्नोर करते हुए सोचा पहाड़ों पर ध्यान दिया जाए, मेरा मतलब पेड़ों पे। इनको देखते 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 मैं सो गया। उठा तो बूम, मैं देहरादून आ चुका था। देहरादून आके मैंने देखा कि कोई तो मुझे लेने आ नहीं रखा। भैया बोले मैं तो भारी खड़ा हूँ, तू कहाँ है। एनीवे वो कहीं भी नहीं थे, वो इस समय रास्ते में थे। मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है और मैं किसी के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। फाइनली ये मुझे दिखे और ये लेट इसलिए हुए थे क्योंकि एक कार से आए थे शो ऑफ मारने के लिए, इन्होंने नहीं सीखी। गाइस फाइनली अब हम घर पहुंच चुके हैं, खाना वाना मैंने सब खा लिया है। टाइम अराउंड 4:30 हो रहा है। थक गया यार, ट्रेन में सफ़र करके थकान हो जाती है बहुत, और अभी मैं आराम करूँगा थोड़ी देर, बाकी शाम में कहीं देखते हैं। भैया कह रहे हैं कहीं ले जाएंगे मुझे, तो देखते हैं कहाँ ले जाएंगे। स्टे ट्यून्ड। हाँ जी, तो बहुत देर अंदर सड़ने के बाद फाइनली मेरा भाई मुझे कहीं घुमाने ले जा रहा है। अरे मौसम भी अच्छा हो रहा है बहुत भाई, आगे एक और देखते हैं कहाँ जा रहे हैं। यार घुमाने के नाम पे ये मुझे अपनी कार सही करवाने ले आए। कार सही करवाना तो दूर, उन चूतियों से कार सही भी नहीं हो रही थी। मेरा तो दिमाग उड़ गया था, लेकिन इनकी ऐसी हालत देख के मुझे थोड़ा अच्छा लगा। टाइम बर्बाद करा दिया ना मेरा। अब चलो मैं सोने जाता हूँ, कल मिलते हैं खुली कहीं अच्छी जगह जाए बाइक में। जी हाल चाल, गुड मॉर्निंग सबको। सुबह के 6 बज रहे हैं और आज मेरा दूसरा दिन है देहरादून में। अब फाइनली कहीं अच्छी जगह घूम भी जाएंगे। कल तो उन्होंने मेरा पोपट कर दिया था पूरा दिन, कहीं घुमाने नहीं ले गए थे, कार सही कराने ले गए थे, पर इन जूतियों से कार सही तो हो नहीं रही थी। लेकिन आज मौसम अच्छा है तो मुझे लगता है कुछ अच्छा देखने को मिलेगा मुझे फाइनली। आपको मौसम दिखाता हूँ, मेरे को बहुत अच्छा है, हल्की हल्की बारिश भी हो रही है। बस चलो चलते हैं। बाय। भैया हाय बोलो। चल चुके हैं, चलो चलते हैं। तो गाइस हम लोग जा रहे हैं मैगी पॉइंट जो मसूरी और देहरादून के बीच में है, और बाकी आपको भैया बताएंगे। यस गाइस हम नहीं जा रहे, अभी बीच में हमारा शिव मंदिर पड़ेगा रास्ते में, हम आपको शिव मंदिर भी दिखाएंगे। बहुत ही फेमस प्लेस है यहाँ पे, जो मुझे पसंद है वो है इसकी आइसक्रीम, इसका नाम मैं भूल गया हूँ, बहुत टाइम हो गया मुझे आइसक्रीम खाए हुए यहाँ। मौसम देखिए कितना सही हो रहा है। खैर आपको कुछ दिखेगा नहीं बादलों के अलावा,
लेकिन ये रहा वो मंदिर जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे थे। खैर जब हम मैगी पॉइंट पहुंचे तो मैंने देखा वो जगह बिल्कुल भी बैठने लायक नहीं थी, पूरा गीला पड़ा था, बारिश बहुत ज़्यादा हो रखी थी वहाँ पे और कोहरा इतना सारा था कि देखने लायक कुछ भी नहीं था वहाँ पे। खैर तभी मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ। मिले हमने सोचा क्या करें अब, तो मैगी और चाय पीने के लिए बैठ गए। ये बिल्कुल भी फोटोजेनिक नहीं है। तो खैर जब हमारी मैगी आई वो दिखने में कुछ ऐसी थी जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। खाते खाते मेरा मुंह भी जल गया था। गर्म है। हेलो फ्रेंड, चाय पी लो। फोटो के नाम पे मेरे भाई ने ये डिजास्टर पूछा। गाइस अब हम वापस उतर रहे हैं, चाय मैगी खाकर तो मज़ा आ गया और उससे भी ज़्यादा मज़ा वहाँ के टूटे फूटे थोड़े व्यू में आ गया जो बादलों में गिरा हुआ था। जनरली वो बहुत प्यारा लगता है लेकिन आज आपकी किस्मत थोड़ी बेकार थी कि हमें दिखा नहीं। और चलिए अब आगे देखते हैं अब कहाँ जाएंगे। बाय, स्टे ट्यून्ड। वैसे रात में देहरादून वहाँ से ऐसा दिखता है। हाँ जी, तो वापस आ गए मैगी पॉइंट से और बहुत ही बढ़िया था। और अभी मेरी दोस्त का मेरे पे कॉल आया है, वो बुला रही है मिलने के लिए, तो अभी मैं उससे मिलने जाता हूँ, तो उससे भी मिलाता हूँ आपको। बाय। लो जी, उससे भी मिलने निकल गए हैं और वो पड़ती है ग्राफिक एरर में, जहाँ वो मेरे यहाँ से मतलब जहाँ मैं रुका था बहुत ज़्यादा दूर था। मैं तो जाने में ही थक गया था लेकिन अब उसने बुलाया था तो जाना तो बनता था। खैर ये रास्ता नहीं रुक रहा था। हाँ जी, तो गाइज मीट माई फ्रेंड वैष्णव। ये बिल्कुल भी फोटोजेनिक नहीं है, इसको कैमरा बिल्कुल पसंद नहीं है, हाँ इसको कॉफ़ी बहुत पसंद है लेकिन हमेशा वही पीती रहती है। हाँ तो फिर वैष्णवी से मिलने और उसको घर उसके छोड़ने के बाद मैं अपने घर के लिए निकला और ये सामने आपको दिख रहा होगा घंटाघर, जो कि नहीं दिख रहा है क्योंकि पेड़ है सामने, पर क्या कर सकते हैं, मैं तो दिख ही सकता हूँ ना। गाइस फाइनली मैं अपनी दोस्त को छोड़कर घर आ गया हूँ। टाइम हो रहा है 8:20। आज बहुत मज़ा आया पूरा दिन। आई होप आपको भी वीडियो देख के मज़ा आया हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। सब्सक्राइब प्लीज़ कर देना, उसके लिए ही मैं वीडियोज़ बनाता हूँ। और कल मैं एक और व्लॉग डालूंगा और वो होपफुली इससे ज़्यादा बेटर होगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा। बाकी तब तक ले बाय, गुड नाइट। लाइक करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो।